उन्होंने 1939 में ही कर दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से उसका गठन 1940 में हुआ और तब से फॉरवर्ड ब्लॉक भारत के इतिहास का एक हिस्सा रहा है और समय समय पर उन्होंने बड़ी भूमिका भी निभाई। एक राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो बराबर मूल्यों के लिए खड़ी हुई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आदर्श थे या हैं उस पर उन्होंने लगातार चलने का प्रयास किया। हम सब लोगों के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो सम्मान का भाव है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ बराबर मैं अपनी पीढ़ी के बारे में तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उनकी बनाई हुई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक से भी एक इमोशनल अटैचमेंट रहा, भावनात्मक दृष्टिकोण से बराबर अपने को जुड़ा हुआ महसूस किया। जब मैं देश के पार्लियामेंट का सदस्य था तो फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ साथी पार्लियामेंट में थे और हमें याद पड़ता है कि बहुत ही उनके साथ हमारा व्यक्तिगत रूप से मधुर संबंध था, इसलिए हमें विशेष रूप से बहुत खुशी हुई जब धर्मेंद्र जी जो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करते हैं वो हमसे मिलने आए अपने साथियों के साथ। अभी उनका परिचय ये कराएंगे और इन्होंने कहा कि इन लोगों ने तय किया है कि वो हमारे साथ जो आंदोलन बिहार की बेहतरी के लिए है उसमें शामिल होंगे। हमने तहे दिल से इनका स्वागत किया।